से कोई नहीं भाग सकता और प्रधानमंत्री जरूर भागने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में उनके प्रचार के बावजूद, नड्डा साहब के प्रचार के बावजूद, अनुराग ठाकुर के प्रचार के बावजूद डबल इंजन सरकार डिरेल हो गई, 5% वोट शेयर घटा और कांग्रेस पार्टी को फिर से जनादेश मिला। कल सभी विधायकों का बैठक हुआ जिसमें राजीव शुक्ला जी प्रभारी और केंद्रीय से जो केंद्र AICC से जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रस्ताव वहां किया गया कि कांग्रेस हाईकमांड तय करेगी, पर बातचीत और विचार विमर्श के बाद ही तय किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज या कल मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत एक बूस्टर डोज के माफिक है। एग्जिट पोल भी, कई एग्जिट पोल ने हमें बहुमत नहीं दिया था और जो एग्जिट पोल हमें बहुमत दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये कांटे का टक्कर है, पर ये कांटे का टक्कर नहीं है। हमें स्पष्ट बहुमत मिला है, 40 सीटें मिली हैं हमारे ही बल में, निर्दलीय अलग है।